नमस्कार सभी को। एमपी वर्ग 3 का नियुक्ति आदेश जारी हो चुका है। देखें सभी जिलों की नियुक्ति लिस्ट, यहां पर हम सभी जिलों की नियुक्ति लिस्ट दिखाएंगे, यहां सभी सूची दिखाएंगे। यह अपडेट आपको 30 मार्च 2023 का है, तो बने रहिए इस वीडियो में, अच्छा लगेगा सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाएंगे कि कैसे लिस्ट जारी हुई, बहुत दिनों के इंतजार के बाद ये लिस्ट जारी हुई है। सबसे पहले आप गूगल में आएंगे, सर्च करेंगे एजुकेशन पोर्टल एमपी। जैसे सर्च करेंगे यह आएगा, इसके रिजल्ट पर, फर्स्ट वाले रिजल्ट पर क्लिक करने के बाद हम जाएंगे, इस प्रकार से पहुंच जाएंगे, यानी ये हमारा एजुकेशन पोर्टल एमपी का होम पेज है। यहाँ पर सीधे नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, कुछ खाली जगह दिखाई देगा, यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लेने के बाद कुछ यहाँ पर सभी जिलों की लिस्ट शो हो जाएगी। यहाँ पर सर्विस अनअवेलेबल बता रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्वर लोड हो गया है। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में सभी जितनी भी लिस्ट जारी हुई है सभी की लिस्ट शो हो जाएंगी हमारे सामने, कुछ इस प्रकार से शो होंगे जो थोड़ी देर, हाँ इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा केंद्र सूची दमोह, इसके बाद उमरिया जिला करकेली, खंडवा और कई जगह का आदेश जारी हो, देख सकते हैं। यहाँ पर 30 तारीख यहाँ पर बुरहानपुर से शुरू हुआ है और सीधे यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट जारी हो चुकी है। तो चलिए हम आपको बारी क्रम बाय क्रम कुछ जिलों की लिस्ट दिखा देते हैं। यहाँ पर जैसे हम आप लिस्ट पर क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमको देखना है, यहाँ पर सबसे पहले जो आया था लिस्ट बुरहानपुर का, जैसे डीओ बुरहानपुर की लिस्ट आई हुई यहाँ पर, जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार से पेज लोड होगा और पेज लोड होने के बाद इस प्रकार से खुल जाएगा। जैसे कि उमरिया का खुला, ये बुरहानपुर का खुला, इस प्रकार से लोड हो जाएगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं, इसको हम पहले डाउनलोड कर लेते हैं फिर दिखाते हैं। हमने डाउनलोड कर लिया है बुरहानपुर का लिस्ट और यहाँ पर दिख रहा है, थोड़ा सा ये क्वालिटी अच्छी नहीं है, स्कैन करते समय शायद वो कुछ कम क्वालिटी में स्कैन, डीपीआई कम में स्कैन कर दिए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 30 मार्च 2023 को लिस्ट जारी की गई है और यहाँ पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा रोपा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के नियम के 5 ख के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्राथमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित पात्रता परीक्षा के आधार पर दिनांक 19/10/2022 को विज्ञापन जारी किया गया था। जारी विज्ञापन के अनुक्रम में मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा शैक्षणिक संवर्ग के अंतर्गत निम्नानुसार अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया। देख सकते हैं यहाँ पर रोल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर फादर नेम दिया हुआ है, नेम और फादर नेम, यहाँ पर देवेंद्र फादर नेम है रंगू, तो यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है उनका, यह नेपाल नगर बुरहानपुर से है और रैंक दिया हुआ है एसटी कैटेगरी, यहाँ पर कौन से जगह, जैसे यहाँ पर सिंदुरिया, क्या लिखा है, सिंदुरिया बाड़ी में इनका बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में चयन हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, यानी बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोग हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सारे लोगों की लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पर देखिए 55 लोग, यहाँ पर जैसे रज्जू डोंगरे हैं, फादर नेम कुल्लू राम डोंगरे, यहाँ पर देख सकते हैं इनके रैंक है बुरहान यूडाइस यूईजीएस बोराडाड में इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। यहाँ पर उक्त नियम आदेश जो भी दिया हुआ है, यहाँ पर इनकी सैलरी दी हुई है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या तैयार करने होंगे वो यहाँ पर हम दिखा देते हैं आपको, जितने भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे वो 3 कॉपी में तैयार करने होंगे और आपको डीओ ऑफिस में जाकर संपर्क करना पड़ेगा। उसकी स्व प्रमाणित पत्तियों का 3 सेट लाएंगे और अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष किया जाएगा। जैसे उसमें क्या क्या रहेगा, आपका नियुक्ति आदेश रहेगा और 6 पासपोर्ट साइज फोटो, ट्राई करिएगा कि जो पासपोर्ट साइज फोटो आपने लगाया है वही पासपोर्ट साइज फोटो ले जाएं। इसके बाद आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी ले जाएं, जाति प्रमाण पत्र ले जाएं, यानी सक्षम अधिकारी का अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, सभी का जाति प्रमाण पत्र जरूरी है और अन्य पिछड़ा वर्ग वाले भी नवीनतम प्रारूप में अगर ट्राई करें, ऑनलाइन वाला हो तो ठीक है, निवास प्रमाण पत्र और बाकी कई सारी चीजें हैं। निवास प्रमाण पत्र हो जाएगा, यहाँ पर अगर विकलांग है तो विकलांगता प्रमाण पत्र, अगर आप कोई भी और स्पेशल कैटेगरी है तो उसका प्रमाण पत्र, अतिथि अनुभव है तो अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में थे और यहाँ पर करें तो वहाँ से एनओसी लेंगे, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। और अभ्यर्थी अपना शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो भी है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल सब ले लीजिएगा, दिक्कत हो सकती है। और अगर जो पीईबी द्वारा जारी किया गया स्कोर कार्ड था, इसके बाद अगर आपका कुछ नेम वगैरह में इशू है जैसे, तो आप अगर अपलोड किए थे जो एफिडेविट अपलोड किए थे तो एफिडेविट भी ले लीजिएगा। सभी दस्तावेजों को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा फिर से पुनरीक्षण किया जाएगा, एक बार आप वेरिफिकेशन करा चुके होंगे, फिर से पुनरीक्षण किया जाएगा, इसके बाद ही आपको पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने हेतु मुक्त किया जाएगा। नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिन के भीतर ही मेडिकल बोर्ड चिकित्सा एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी मेडिकल भी लगाना होगा और पुलिस वेरिफिकेशन भी लगाना होगा। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होती है, 1 माह का नोटिस देकर, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं, अस्थायी लिखा हुआ है, लेकिन आपको अच्छे से काम करना है, आप अस्थायी हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद और आपका जो कुछ भी है अच्छे से पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके, और इस प्रकार से जो कुछ भी
पहले आपको देख सकते हैं यहाँ पर आदेश इसी प्रकार से रहेगा, यह समझिए नियुक्ति आदेश ही है। यह आदेश मिलेगा आपको, इस आदेश में आपके नाम के सामने टिक कर दिया जाएगा कि यह आदेश इनको दिया जा रहा है, आपके नाम के सामने टिक करके और सीधे आपके संकुल में, यहाँ पर आपके संकुल का नाम लिख दिया जाएगा और यहाँ से डीओ ऑफिस में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। आप यहाँ से जाएंगे संकुल में जाएंगे, संकुल में जाने के बाद एक लेटर देंगे कि हमको ज्वाइन किया जाए, इसके बाद आप अपने स्कूल में चले जाएंगे। जो पहले जाएगा उसको सीनियरिटी की वरीयता मिलेगी, वरिष्ठ माने जाएंगे, इसलिए सभी लोग अपने अपने जिले की लिस्ट यहाँ से देख सकते हैं। यानी कि इस प्रकार से अपने अपने, यह आज ही अपलोड होना शुरू हुई है और देख सकते हैं 30 तारीख को अपलोड होना शुरू हुई है और बाकी लोगों की अपलोड हो गई है। आपकी वीडियो देखने तक कई सारे लोगों की अपलोड हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इसी प्रकार के और इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।